सभी देवताओं में महाबली हनुमान जी को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माना जाता है। कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और उनके सभी दुख को और तकलीफों से छुटकारा भी दिलाते हैं। सभी भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना और उपासना में लगे रहते हैं जिससे कि इनकी कृपा को प्राप्त की जा सके और जीवन में चल रही सभी समस्याएं भी दूर हो सकें। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर उनकी कृपा रहती है उस व्यक्ति के जीवन से सभी बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और व्यक्ति अपना जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत करता है। हम आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार इस मंगलवार ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके ऊपर महाबली हनुमान जी मेहरबान होने वाले हैं। हनुमान जी इन राशियों के सभी दुख को दूर करेंगे और इनका जीवन खुशहाल बनेगा। तो चलिए आपको बताते हैं महाबली हनुमान जी इस मंगलवार से किन राशियों के दुखों का अंत करने वाले हैं। पहला, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को इस मंगलवार से महाबली हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है जिसकी वजह से आपका आने वाला समय बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आपको शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है, आपके द्वारा बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। हनुमान जी की कृपा से आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा, आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर होंगी। दूसरा, कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को इस मंगलवार से महाबली हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है जिसकी वजह से आपका आने वाला समय बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति मिलने की संभावना बन रही है। कार्यस्थल की परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, आपको अचानक आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है, किसी महिला मित्र से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, हनुमान जी की कृपा से आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। तीसरा, सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर इस मंगलवार से महाबली हनुमान जी की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहेगी जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आप अपने मनोबल से सभी काम सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो व्यक्ति व्यापारी हैं उनकी सूझबूझ से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं, उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपके कार्यों से लोग प्रभावित होंगे, महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होंगी, आपका आने वाला समय बहुत ही आनंददायक रहेगा। चौथा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके ऊपर इस मंगलवार से महाबली हनुमान जी मेहरबान रहेंगे, आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। जो व्यक्ति काफी समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, सगे संबंधियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, आपको अचानक कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं जिससे कि आपका भी मन प्रसन्न रहेगा, आपके द्वारा धार्मिक यात्रा करने से योग बन रहे हैं, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके सभी कष्ट भी दूर होंगे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पांचवा, मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर इस मंगलवार से महाबली हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है। आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले लाभदायक साबित होंगे, आपके विचारों में दृढ़ता रहेगी, व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा, कलात्मक शक्ति में वृद्धि होगी, दोस्तों और परिवार के परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आप लगातार सफलता की ओर बढ़ेंगे, महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं और दुखों का अंत होगा, सभी बुरी शक्तियां दूर रहेंगी।
तो दर्शकों, अभी तक हमने आपको बताया उन पांच राशियों के बारे में जिनके ऊपर इस मंगलवार यानी कि 2 अक्टूबर से महाबली हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा बाकी की बची हुई राशियों का हाल। तो बची हुई राशियों में से शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में संभल कर रहने की जरूरत है। आपको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। धन से संबंधित लेन देन के मुद्दों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप दूर रहें। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। आप इधर उधर के कामों में अपना ध्यान ना लगाएं। आपको समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत से किसी को गलतफहमी पैदा ना हो। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। फिजूल खर्ची होने की संभावना बन रही है, इसलिए आप अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण बनाए रखें। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे कि आपके मन को कुछ शांति मिल सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने किसी काम की वजह से मुसीबत में भी आ सकते हैं, इसलिए जो भी काम करें सोच समझ कर कीजिए। खास तौर से आपको अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा क्योंकि वो दोस्त के रूप में छिपे हुए शत्रु साबित हो सकते हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको आने वाले समय में अपनी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। आप अपना ज्यादातर समय मनोरंजन के क्रियाकलापों में व्यतीत करेंगे। आप आने वाले समय में तनाव मुक्त होकर अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। उत्तम भोजन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप नए वस्त्रों और आभूषणों की खरीदारी भी कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आप मान सम्मान की प्राप्ति होंगी, लेकिन पारिवारिक मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति व्यापारी हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका कोई भी अधूरा काम पूरा हो सकता है। माता पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से आपको कोई चिंता हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कोई पूंजी निवेश करते हैं तो काफी सोच विचार करने के बाद ही निवेश कीजिए। धार्मिक कार्यों के पीछे अधिक धन खर्च होने की संभावना बन रही है। दोस्तों के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रहें। घर परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मध्यम फलदायी रहेगा। इस राशि वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सार्वजनिक रूप से आपको मान हानि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप आभूषणों की खरीदारी भी कर सकते हैं। घर परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आप अपने जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखें। आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। प्रेमियों के लिए आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहेगा।